इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर बोलने की जरूरत कर रहा हूँ, शायद इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन अनजान बनने का नाटक करते हैं। चाहकर या ना चाहकर तमाम माशरा मोबाइल की गिरफ्त में आ चुका है। कहीं पर भी बाजार, रास्तों पर मंजर देख सकते हैं कि कैसे नौजवान, कॉलेज, स्कूल के बच्चे मोबाइल में अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। आज मोबाइल के फितने पर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेलगाम शहर के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस का जायजा भी लिया गया तो मालूम हुआ कि शायद ही कोई लड़का लड़की इस फितने से बचे हुए हैं। आज किस मौजू पर बोलने की वजह इसलिए भी जरूरी क्योंकि आज एक वाकया पेश आया है जिससे शर्म से गर्दन झुक जाती है। बेलगाम की मुस्लिम लड़की, जिनके घर में दीनी माहौल होने की भी बात कही जाती है, ऐसी लड़की महज किसी गैर लड़के से घर की चार दीवारी में बैठकर मोबाइल फेसबुक के जरिए इश्क लड़ाती है और अचानक घर से भाग भी जाती है। मतलब किस हद तक बेहयाई के रास्तों को मोबाइल के जरिए खोल दिया गया। हमने ही अपने बच्चों के हाथ में महंगे मोबाइल दिए हैं। घर की चार दीवारी हो या फिर कॉलेज के बहाने घंटों घरों में बैठकर किन सहेलियों और किन दोस्तों से अपनी लाडली राब्ता रखती है, इसका जायजा हम नहीं लेते। कभी सहेली के घर शादी का बहाना, कभी सालगिरह की कहानी, कभी पढ़ाई, कभी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह। लिहाजा अगर आपकी बेटी इन तमाम बहानों के जरिए देर रात तक या रात भर घर से दूर रहती है तो समझ लीजिए कि आपकी लाडली आपको बेवकूफ तो बना ही रही है और घर की इज्जत को भी दांव पर लगा चुकी है। सभी को अपने बच्चों पर काफी भरोसा रहता है और खासकर कॉलेज लड़कियों के लिए मौजूदा दौर एक आग के दरिया से भी कम ना समझे, बहुत ही खतरनाक है क्योंकि चारों तरफ फितनों का बाजार गर्म है। फिरका परस्त तंजीमों के लड़का लड़कियां भी इस काम में सरगर्म है ताकि मुस्लिम लड़कियों को भगवा ट्रैप में फंसाया जाए और फांस भी रहे। आपको ताज्जुब होगा कि बेलगाम शहर और त्राप में अब तक 50 वाकये महज पिछले 3 महीनों में हुए हैं। कई बार फोन आते हैं तो कभी मामला पुलिस थाने तक पहुंचता है। हमने ऐसे दीनदार लोगों की लड़कियों को भी देखा जो पुलिस थानों में पकड़ कर लाए जाते हैं और वालिद बेटी के सामने हाथ जोड़कर इज्जत को बचाने की गुजारिश और भीख मांगता रहता है। उस बाप की लाडली उम्मत की बेटी सरे महफिल वालिदैन को, माशरे को शर्मसार कर गैरों के साथ चली जाती है और ये तमाम हमारे बेलगाम शहर में हो रहा है। अब तो घर में मासूम बच्चे के भी हाथ में मोबाइल देने से बच्चा खामोश हो जाता है। जब से दुनिया बनी है शायद मोबाइल से बड़ा फितना अब तक आया नहीं होगा। आखिर ये फितना भी कितना खतरनाक है इसका महज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहयाई और फहश हुरियानत का बाजार इसी के जरिए लगा हुआ है और ताज्जुब तो इसमें सभी शामिल है। गुनाह को गुनाह न समझने का दौर अगर कोई है तो मौजूदा दौर जिसमें मोबाइल का अहम किरदार है। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर आपका बच्चा जलता हुआ कोयला हाथ में थामना चाहता है और दूसरी तरफ मोबाइल मांग रहा है तो बेहतर है जलता हुआ कोयला उसके हाथ में रख दो क्योंकि उस जलते हुए कोयले से भी खतरनाक मोबाइल है। और ये कितना खतरनाक फितना होगा कि अगर आप बच्चे के हाथ से छीन लोगे तो बच्चा रोने लगता है और अगर इसके हाथ में खेलने के लिए दोगे तो खामोश मोबाइल में खेलता रहता है। महज कुछ ही महीनों का यूं कहिए कि एक या दो साल का बच्चा बिल्कुल ऐसे उंगलियां मोबाइल पर घुमाता रहता है जैसे इसे सब कुछ मालूम है, कहां YouTube पर किस वीडियो को क्लिक करना है बराबर करता रहता है। वालिदैन बड़े ही फकरी अंदाज में कमसीन बच्चे की तरफ देखते रहते हैं जबकि हमने जहन्नम का सामान उसके हाथ में दे रखा है। और ये सब उनकी ही बात नहीं है जो जाहिल किस्म के हैं, उनके तो घर में सब बिल्कुल आम रहता है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि जिन घरों को दीनदार कहा जाता है, समझा जाता है, आज इस बात पर बोलना जरूरी समझा क्योंकि लड़कियों का इस फितने में कसरत से मुलव्विस होता देखा जा रहा है। घरों से बुरके में निकलकर कौन किस गार्डन पार्क में जाते हैं इसकी महज फहरिस्त निकाली जाए तो कईयों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्दे का हुक्म किस लिए और किस पस मंजर में दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला को औरत की शर्म हया का कितना लिहाज है। कुरान में इसका जिक्र किया गया कि अल्लाह तुम्हारे कदमों की आहट को तक महबूब रखता है, लिहाजा तुम आहिस्ता चला करो। लेकिन मौजूदा दौर में मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम मुसलमान शर्म हया को शर्मसार किया है, शायद इतना तारीख में कभी नहीं देखा होगा। बेलगाम शहर के कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्लासेस में लड़कियों की तरफ से मोबाइल लेकर मुझे बुलाया गया और दिखाया और कहा कि देखो लड़कियों की तरफ से इतने मोबाइल पकड़े गए। आपने भी सोचा होगा कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कईयों के वालिदैन ने लड़कियों को मोबाइल दिया ही नहीं था। अब बताओ कि आखिर मोबाइल लड़कियों के हाथ में आया कहाँ से।
आखिर किसने इन्हें मोबाइल दिया था? मौजूदा दौर में मुसलमानों पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इस कौम की शिकस्त की मोबाइल भी सबसे बड़ी वजह है। मुस्लिम नौजवानों के पास किसी तरह का कोई आज़म, कोई दूरंदेशी, कोई कौम और मुल्लत को लेकर मनसूबाबंदी नहीं है। वालिदैन भी परेशान है, तो कुछ वालिदैन ने बच्चों को छूट दे रखी है और लड़का या लड़कियों के बिगड़ने के पीछे माओं का बड़ा किरदार देखा जाता है। हमेशा बच्चों की हिमायत में माएं खड़ी होती नजर आती हैं। अगर गलती में पकड़ा भी जाए तो इन्हें किस तरह बचाया जाए, इसका भी काम माएं देखती रहती हैं। और वो वक्त भी आ जाता है कि इन्हीं माओं की हिमायत बच्चों को बिगड़ने की वजह बन जाती है, जिसका नतीजा फिलहाल हम सब देख रहे हैं। फिरका परस्त भगवा तंजीमों की जानिब से लड़कियों को फंसाने के मुख्तलिफ जाल कॉलेजेस में फैलाए गए। इन्हीं फिरका परस्त तंजीमों की लड़कियां पहले मुस्लिम लड़कियों की सहेली बन जाती हैं, फिर इन्हें अपना भाई कहकर किसी मिलाती हैं, फिर दोस्ती प्यार सिलसिला आखिर में इन्हें गलत रास्तों पर चलाया जाता है और यही इनका मकसद होता है। और इस बात का खुलेआम एतराफ भी हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। लड़कियों का गैरों के साथ भागने के मामले में जिस कदर तेजी देखी जा रही है, अफसोस तो इस बात का है कि हमारे माशरे का कोई पुरसाने हार है ही नहीं। महज एक आध बार कुछ उल्मा, कुछ दीनी रहनुमा बयानात के जरिए अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होने की कोशिश करते देखा जाता है, जिसका कोई असर माशरे में देखा नहीं जाता। अब तो घरों में उम्र रसीदा खवातीन भी मोबाइल पर घंटों अपना वक्त गुजारते देखा जा रहा है। कुछ ऐसे वाकये इस बेलगाम शहर में पेश आए हैं, इन्हीं मोबाइल के जरिए दोस्ती कर शादीशुदा खवातीन भी नौजवान लड़कों के साथ भागने वाली औरतों को देखा जा रहा है, जबकि इनके बच्चे बड़े हैं। अब इन तमाम मामलात को कयामत के आखिरी दौर के पस मंजर में हम देख सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसे सवाल कभी खड़े किए जाते थे, लेकिन दौर फितन में सभी देखने को मिल रहा है। इन्हीं मोबाइल के जरिए गैरों ने बड़े ही शातिर अंदाज में मुस्लिम लड़कियों को फंसा कर बिहार यूपी झारखंड ले जाने के वाकये भी इसी बेलगाम शहर में हो चुके हैं। लिहाजा वालिदैन को जरूरत है कि बेवजह एंड्रॉयड मोबाइल लड़का लड़कियों को और खासकर लड़कियों को देने से पहले 100 बार सोचे। इनकी कॉल हिस्ट्री, इनके व्हाट्सएप चैट, घर में घंटों किस सहेली से बात कर रही हैं, बाज वक्त नामों को बदल कर भी मामले चलते रहते हैं। मोबाइल में किसी तरह लॉक नो, इसका भी ख्याल रखा जाए। भले ही आपको कुछ अजीब लगे, लेकिन सख्ती से पेश आना होगा, वरना तुम्हारी गैर जरूरी छूट और बच्चों से अंधी मोहब्बत बनकर आजाद छोड़ देना तुम्हारी जिल्लत की वजह बन सकते हैं। अक्सर वालिदैन को अपनी बेटी या बेटा ही दुनिया के शरीफ बच्चे समझते हैं, लेकिन शराफत कैसे बदमाशी में तब्दील होती है और गलत राहों पर चल पड़ते हैं समझ में नहीं आता। इंसान की फितरत में है कि बुराई और जुर्म के रास्तों पर दौड़ कर चलता है और नेकी की राह पर बेजारी का मुजाहरा किया जाता है। लिहाजा बढ़ती बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी के लिए मोबाइल का बेजा इस्तेमाल जिम्मेदार है। जितना भी माशरे को बिगड़ने में मोबाइल जिम्मेदार है, उतना ही वालिदैन जिम्मेदार है। बच्चों के हाथ में गैर जरूरी तौर पर मोबाइल देने के लिए यही जिम्मेदार है। यकीनन मोबाइल को बच्चों के हाथ से छीनना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन नजर तो रख सकते हैं। जब मामला हाथ से निकल जाता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस दौर के सबसे बड़े फितने में तकरीबन क्या पूरा माशरा ही फंस चुका है। इस फितने की खासियत तो देखो कि अगर मोबाइल देखते देखते उम्र भी गुजर जाए, इसको पता नहीं चलता। लिहाजा इस खतरनाक फितने से दूर होना मुमकिन नहीं है, तो कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। खासकर औरतें, लड़कियां इसका इस्तेमाल महज फोन पर बात करने तक रखें तो बेहतर है। कुछ लोग इसका सही इस्तेमाल करने की भी बात करते हैं, लेकिन जितना इसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसी हुरियानियत की तरफ बढ़ जाते हैं। यकीनन कई सारे इल्मी बातें, इल्मी बयानात होते हैं, लेकिन दरमियान में आने वाले इश्तिहारात से फिर जहन मुंतशिर हो जाता है। पूरा माशरा मोबाइल का आदि हो चुका है। अगर इस वक्त महज एक ही दिन मोबाइल हाथों से निकाल लिया जाए तो कत्लोगारतगिरी पर इंसान उतर सकता है। लिहाजा जितना हो सके बच्चों के हाथ में दिए मोबाइल छीन तो नहीं सकते, नजर तो जरूर रख सकते हैं। और खासकर बेलगाम शहर में आए दिन गैरों के साथ इश्क लड़ाती उम्मत की बेटियां जो घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चों को आजादी के नाम पर फहश और हुरियानत के बाजार में खुद वालिदैन ने खड़ा कर दिया है। जिम्मेदारी तमाम समाज की तो है ही, लेकिन सबसे पहले घर के जिम्मेदारान की है। रोज रोटी के चक्कर में बच्चों की तरबियत से बिल्कुल नाआशना रहते हैं, जिसका नतीजा बच्चे गलत राहों पर चल पड़ते हैं। जब मालूम होता है वक्त निकल चुका होता है, इस फितने से बाहर आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर खुद हम अपने घर की इज्जत को बाजारों का रुख करने से रोक सकते हैं, थोड़ी हिम्मत करने की सबको जरूरत है। वैसे भी उर्दू स्कूलों को बंद करने का मंसूबा हुकूमत का पहले से ही देखा जाता है, लेकिन स्कूल के अतराफ में गंदगी और इसी में स्कूली बच्चे सुबह दुआ करने के लिए खड़े होते हैं, यह तस्वीर एमके हुबली की है, जहां करोड़ों रुपए स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए मंजूर करने के कस्मे वादे सियासी कायदों की जानिब से बारा किए जाते हैं।
यम के हुबली के उर्दू स्कूल ऐसा लगता है कि किसी गंदगी के ढेर पर खड़ी है और सुबह बच्चे इसी गंदगी में खड़े होकर दुआएं पढ़ते हैं। तस्वीर देखकर आपको हैरानी होगी, यहाँ के बच्चों पर तरस भी आएगा। कीचड़ करीब से, तहारत खानों से गंदगी, इन्हीं स्कूली बच्चों के करीब से होकर गुजरती है। आखिर कैसे बच्चे सेहतमंद हो सकते हैं? आपको इस बात का भी ताज्जुब होगा कि स्कूल को किसी तरह का कंपाउंड दीवार भी नहीं है, जिसकी वजह से कुत्ते और सुअर स्कूली इहाते में घूमते रहते हैं। इसी तरह स्कूल के सामने कभी ट्रैक्टर तो कभी ट्रक और दिगर सवारियां हॉर्न बजाते हुए तेज रफ्तार से दौड़ती रहती। किसी तरह की सफाई आपको यहां नजर नहीं आएगी। बदबू हमेशा स्कूल के इर्द गिर्द महसूस की जाती है और ऐसे माहौल में बच्चे स्कूल में इल्म हासिल करने आते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? तमाम सियासी कायदों से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश जेडीएस सेक्रेटरी हुमायूं हुंचिकट्टी ने कहीं पर कई मरतबा मुतालबात पेश करने के बावजूद भी इस तरफ नजरअंदाज किया गया। कहीं उर्दू स्कूल होने की वजह से तो इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों के करीब यानी 18 महीने स्कूलों को बंद किया गया था। आखिर दौरे कोरोना में हमने क्या क्या नहीं देखा? इस देश ने और इस रियासत में और खुद एम के हुबली ने कितने लोग कोरोना से मौत के आगोश में चले गए। बच्चों की सेहत की फिक्र हुकूमत करती तो है, लेकिन क्या अमल करती है? हुकूमत की जानिब से किसी तरह की सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही। बच्चों की सेहत का सवाल आम खड़ा हुआ है। उर्दू स्कूल की इस कैफियत पर जितना भी मातम करे कमी है। लिहाजा इस रिपोर्ट पर तवज्जो देकर यहाँ फौरी तौर पर सहूलतों को मुहैया कराया जाए और स्कूल को कंपाउंड से महफूज किया जाए ताकि कुत्ते सुअर और दिगर जानवरों का गुजरना हो सके। स्कूलों को इल्म का मरकज कहा जाता है। हुकूमतें हमेशा इल्म पढ़ाई तालीम को लेकर बारह नई नई स्कीमों का ऐलान करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गंदगी के ढेर पर स्कूलों का कयाम है जहाँ इल्म सिखाया जाता है। क्या स्कूल की तरफ सेहत और तालीमी महकमा तवज्जो देकर बेहतर सहूलतों को मुहैया कराएगा या इसी तरह सिर्फ इश्तेहारबाजी, बयानबाजी, जुमलेबाजी से ही काम लेगा, इस पर सभी की तवज्जो है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಮಾಯೂನ್ ಹುಂಚಿಕಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂ ಕೆ ಹುಬಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೂ ನಾವು ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮದರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಆವಾಗೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೂ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾದೇ ದೊಡ್ಡರವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇವಾಗೂ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಶಾಲೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಅಂತ ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಕ್ಕಡಿ ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆವರಣ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇದು ಮೂತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಿ ಇದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ಇದು ಎಂ ಕೆ ಹುಬಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಈ ದುರ್ನಾತ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಏನು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಪಟ್ಟಣ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಜಾರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಂಡವಾಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೇಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಡಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ರೀ
रहमान फाउंडेशन की जानिब से पिरनवाड़ी में मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। माहिरीन डॉक्टर्स की शिरकत होगी। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाएगा। सभी से गुजारिश है कि पिरनवाड़ी और अतराब के तमाम लोग इसका फायदा उठाएं। मेडिकल कैंप धामनेकर कॉम्प्लेक्स जामोटी रोड पर रखा गया है। कल बेलगाम में ब्लैक संडे। कल इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बेलगाम शहर के मरकजी इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। बाजी मार्केट, किला, रविवार पेट, अनंचन गली, शेरी गली, फुलबाग गली, कलवण गली, सर्किट हाउस, सीबीटी इलाका, शट्टी गली, दरबार गली, जालगार गली, कसई गली, कीर्ति होटल, फॉरेस्ट ऑफिस, आरटीओ सर्कल, कोतवाल गली, खड़े बाजार, शीतल होटल इलाका, माली गली, भिंडी बाजार, कलेगर गली, खंजर गली, कचेरी रोड, काक्तीवेस, रिसालदार गली, गौड़ी गली, खड़क गली, भड़कल गली, ओल्ड गांधीनगर, नया गांधीनगर, आजाद नगर, तिरंगा कॉलोनी, संगम होटल इलाका, उज्ज्वल नगर, न्यू गांधीनगर, अमन नगर, एससी मोटर्स इलाका, यह तमाम जगह हैं जहां पर बिजली कल नहीं होगी, ऐसा हैशकॉम की जानिब से कहा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।